हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल यू माई नेम इज़ सत्यवीर सिंह एंड आई विल टीच यू फिजिक्स इन फिजिक्स बी आर डिस्कशन अबाउट चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज कर्चाप ला एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज ओके एंड टू टॉपिक इज सेल का टर्मिनल विभांतर बी विद्युत भागबल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध आर में संबंध बताना है इनके बीच में रिलेशन और रिलेशन मैंने लिख दिया है पर ये ये रिलेशन आपको बताना है ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओके सो इसे देखते रहिए आप यहाँ पे एक सेल है और इस सेल का विद्युत भाग बल क्या ई है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है पूरा सेल ये आंतरिक प्रतिरोध को और सेल को मिलाने पर एक ये टर्मिनल मिलाने पर एक पूरा एक सेल बन जाता है ठीक है और यहाँ पे क्या लगा रखा है मैंने में एक वोल्टेज वीएम मापी लगा रखा है वी एम मापी और ये क्या लगा रखा है मैंने आई मीटर आई मीटर लगा रखा है ये बाह्य प्रतिरोध है तो इसमें निकालने के लिए हमें ये रेशन निकालने के लिए इसमें एक बार तो निकालना पड़ेगा हमें बाह्य कार्य जो कि इसके द्वारा किया जाता है और एक बार निकालना पड़ेगा हमें आंतरिक कार्य जो कि इसके द्वारा मिलता है तो बाह्य कार्य है इसके द्वारा निकलेगा बाहर के प्रतिरोध द्वारा और जो आंतरिक कार्य है वो इस प्रतिरोध के द्वारा निकलेगा ठीक है तो हम इसमें पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं इस परिपथ में कुल कार्य कार्य क्या होता है कि जितना आवेश इसमें से निकल के पूरे परिपथ में जाता है पूरे परिपथ में तो पूरे परिपथ में द्वारा क्या गया कार्य उस आवेश को किसी एक आवेश को बैटरी प्लस ध्रुव से निकल कर पूरे आवे पूरे परिपथ में होते हुए जितना कार्य करना पड़ता है उसे कुल कार्य कहते हैं उसी भी आप कहते हैं ठीक है तो डब्ल्यू जी गल्ट कितना हो गया डब्ल्यू बराबर ई क्यू होता है क्योंकि ई बराबर होता है डब्ल्यू टे क्यू तो डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा ई क्यू मल्टीप्लाई मान जाता तो है डब्ल्यू टोटल मतलब कुल कार्य है ई ऐसे का क्यू बराबर क्या रख दिया आई टी ई ऐसे कैसे रहा की जगह रह रख हैं मैंने आई टी और ये बन गया बाह्य प्रतिरोध आर द्वारा क्या का कार्य तो बाह्य प्रतिरोध द्वारा बाह्य प्रतिरोध द्वारा इसे मैंने ई की जगह बी रख दिया तो बाह्य प्रतिरोध द्वारा क्या गया कार्य निकल का आ गया बी आई टी ठीक है तो ये फॉर्मूला आ गया किसके लिए बाह्य कार्य के लिए निकल का आ गया एक्सटर्नल वर्क डन अब वर्क डन निकालना है मुझे इंटरनल जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तब सेल का विभव घट जाता है यानी कि ये सेल है ना अगर इससे बेदुधारा ली जाती रहेगी तो क्या होगा इसका जो लिक्विड है उसमें जो विभव है जिसे ये सेल मान लो और इसमें जो केमिकल है अंदर इससे अगर तुम धारा निकालते रहोगे निकालते रहोगे तो क्या होगा इसका विभव कम हो जाए क्योंकि बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाएगी ना इसलिए ठीक है तो उसका विभव क्या होगा कम हो जाए जहाँ आप बैटरी यूज कर, करते रहते हो उससे पंखा चलाते हो डी और और जो काम करते हो आप तो अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका विभव कम हो जाता है क्योंकि फिर उसमें धारा निकलनी बहुत कम हो जाती है ठीक है इस प्रकार से तो जब सेल से तो मैंने एक्सटर्नल एक्सटर्नल तो निकाल लिया वर्क अब इंटरनल की तैयारी है इंटरनल वर्क की तैयारी है जब सेल से विद्युत धारा ली जाती है तब सेल का विभव घट जाता है ये वाली बात सही तो यानी कि विभव घट के बी डैस हो जाता है और बी डैसिकल टू कितना आई आर तो इस बी की जगह रख देस इंटरनल बी डैस आई टी बी की जगह रखा मैंने ना आई आर आई आर इंटू आई टी आई 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 स्क्वायर आर टी हो गई है ठीक है इस प्रकार से अब क्या करा कुल कार्य कुल कार्य निकाल रहे पूरे परिपथ का तो कुल कार्य क्या हो जाएगा डब्लू टोटल इक्वल टू डब्लू एक्सटर्नल प्लस डब्लू इंटरनल डब्लू टोटल इक्वल टू ये रख दिया डब्ल्यू एक्सटर्नल इसका मान कितना था बी आई टी इसका इसका मान है बी डैस आई टी पीछे से देखा हमने और बी डैस का मान मैं रखा था पहले लेकिन फिर से रख दे रहे हैं बी डैश इजिकल टू कितना आई आर तो ई आई टी बराबर बी आई टी प्लस आई आर आई टी आई 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 स्क्वायर आर टी आई टी कॉमन आ गया इससे आई टी से आई टी कैंसिल हो गया पहले नहीं कर सकता था कॉमन लेके काटते हैं ठीक है में होना चाहिए सबकी वो तो ये में आ गया सब सबकी अब यहाँ से आई टी आई गया जो हमें फाइंड करना था रिलेशन वो वो ये रिलेशन आ गया ठीक है दिस इज द रिलेशन द रिलेशन दिस इज द रिलेशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस आई करंट ई विद्युत भाग बल और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सवाल कराने के लिए तो और ई क्या बाहकबल इसे बी बा बै लिख देते हैं फ्रॉम द एबूफ फार्मूला मतलब इस फार्मूला की सहायता से मैंने बी का मान निकाला बी का मान निकालेंगे आई आर इधर आ जाएगा आई आर इधर आ गया फ्रॉम द एबु फार्मूला बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आई आर इधर आ गया बी की जगह रख दे बने आई आर अब यहाँ से ई का मान निकाला आई आर प्लस आई आर इधर इसको लिया इधर प्लस का हो गया ई स्मॉल आई कॉमन ले लिया आर प्लस आर और आई का मान निकालेंगे तो ये सारा क्या जाएगा अभी मल्टीप्लाई में आ गया तो अपॉन में जाएगा यानी कि ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला ये रेशन आ गया एक तरह का सूत्र आ गया ई e बराब, बराबर वो स्मॉल स्मॉल आई बराबर ई बटे आर प्लस आर स्मॉल आई इजल टू ई अपोन आर प्लस आर ये आपके पास आ गया ठीक है अब इसके बाद मैंने एक काम किया तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ ये ओम का नियम है ओम का नियम क्या होता है बीजिकल टू आई आर आईजिकल टू क्या होता है बी बटे आर तो बी की जगह रख दिया मैंने ई आर की जगह रख दिया मैंने आर प्लस आर क्योंकि इसमें आर के साथ ये आंतरिक प्रतिरोध और है जो कि स्वर्ण क्रम में था तो इस बात को ध्यान रखिए ये ओम के नियम की फॉर्म ही है ठीक है ना तो ये पता लग गया अब इसके बाद में आता है एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको ठीक है चीज ये वाली बताता हूँ देखो यह आर्टिकल हमारे पास और तो जो हमें पढ़ना है तो सेलों का संयोजन एक सेल द्वारा परिपथ में बहुत कम विद्युत धारा बहती है इसलिए परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं इनका उपयोग टॉर्च ट्रांजिस्टर कारो आदि में किया जाता है सैलों का मुख्य रूप से सैलों को मुख्य रूप से तीन प्रकार से जोड़ा जाता है नंबर एक क्या होता है सीरीज का कॉम्बिनेशन दूसरा क्या होता है पैरल कॉम्बिनेशन और एक क्या होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब श्रेणी कॉम्बिने श्रेणी समायोजन समांतर समायोजन मिश्रित समायोजन तो इसमें पहला श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है कि प्रत्येक सेल का पॉजिटिव निगेटिव जोड़ते हैं इसका प्लस बैटरी से इसे प्रतिरोध के जोड़ा और जो इसका निगेटिव है दूसरे दूसरे साल के पॉजिटिव से इस साल का जो निगेटिव वाला सिरा वो तीसरे के पॉजिटिव से ऐसे जुड़ता जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता जाएगा और ये जो टर्मिनल है और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इन दोनों को मिला के बनता है हमारा पूरा सेल क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध उसी सेल में होता है ठीक है उसी सेल में होता है ये आर है और यहाँ पे आर है ये आर है आर है यानी कि सभी सैलों के जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या है समान है क्योंकि सब सेल क्या ई e -E -E. इनके विद्युत भाग बल सबके सेम है तो इनके जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी सब सेम होंगे ठीक है तो यहाँ पे इन सैलों से कितनी धारा आ रही है स्मॉल और सॉरी कैपिटल आई धारा निकाल रहे हैं मैं स्मॉल आई मान लेता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से ठीक है तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सरणिक्रम है सेल है ना तो प्रतिरोध है मतलब प्रतिरोध लग रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध ना तो ये कैपेसिटर है ये केवल सेल है ठीक है और जब सेल बहुत सारे जोड़ देते हैं तो ये बैटरी तो यानी कि बैटरी कहलाएगी इस टाइम तो इनको जोड़ने के लिए मैंने देखो तुम्हारे लिए करा है तो पता लग गया आप सेलों को जोड़ने क्या कस, इसके पीछे क्या राज है यानी कि अगर एक सेल से करंट कम मिल रहा है तो उसमें सेल बहुत सारे जोड़ने पड़ेंगे आपको जिससे बैटरी में कितने सेल होते हैं लगभग तीन सेल होते हैं और क्या सेल होते हैं उसमें जो रेडियो होता है रेडियो में तीन सेल होते हैं क्यों क्योंकि रेडियो को चलाने के लिए तीन सेल की आवश्यकता होती है अगर रेडियो में तीन सेल नहीं होंगे तो वो चलेगा नहीं है ना तो इस प्रकार मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ कि रेडियो में तीन सेल जोड़ते वो सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन होता है पर्ल कॉम्बिनेशन नहीं होता वो ठीक है क्योंकि सीरीज में करंट ज़्यादा मिलता है परलल में नहीं मिलता पर्ल में करंट बटके जाता है इसलिए नहीं मिलता तो जो रेडियो होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ते हैं अब कैसे जोड़ते हैं पता लग गया इसकी क्या आवश्यकता है अगर सेलों को जोड़ने की आवश्यकता आता है तो लिख देना कि किसी किसी परिपथ में एक सेल द्वारा कम करंट आता है तो उसमें अधिक सेल जोड़ देते हैं अधिक सोल जो सेल जोड़ने से जो फायदा होगा वो तो ये होगा कि जितनी हमारे हमें करंट की आवश्यकता होगी उतना करंट मिल जाएगा और हमारा काम चल जाएगा ठीक है और यही हमें चाहिए था ठीक है अब इसके बाद में एक बात बताता हूँ आपको बात यह है कि इन्हें जोड़ने के तरीके कितने हैं तो जोड़ने कितने सरिज कॉम्बिनेशन पर्लल कॉम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम पहले कौन सा सिरज कॉम्बिनेशन सरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये होता देखो तो सैलों का संयोजन सरीज कॉम्बिनेशन में होता है श्रेणी क्रम में कि जो एक सेल ये रहा एक सेल ये रहा एक सेल ये रहा एक सेल ये रहा और ऐसे में जोड़ता जा रहा हूँ डेडेड दिख रहा है ये डेड डेस्क का मतलब ये है कि यहाँ पे इतने सारे सेल जोड़े गए हैं काफ़ी सारे सेल जोड़े गए हैं ठीक है थीके? और ये कितने सेल जोड़े गए हैं फिलहाल एक दो तीन चार दिख रहे हैं आपको लेकिन यहाँ पे कितने स्मॉल एन एन का मतलब बहुत सारे कितनी भी हो सकते हैं एन का मतलब सौ मान लो दो, दो सौ मान लो चार मान लो कितनी मान लो लाख मान लो करोड़ मान लो जितने तुम्हें मानने मान लो ठीक है अब यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव है इसका नेगेटिव दूसरे के दूसरे सेल के प्लस से जुड़ा दूसरे साल का नेगेटिव तीसरे साल के प्लस से जुड़ा प्लस जो टर्मिनल है उसका उससे जुड़ा और जो दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल है वो तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा यही इसमें चलता जा रहा है तो ये पहचान पहचानने की इसकी कला है कि ऐसा पहचान लेते हैं ये इसका क्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो बाहर लग रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसकी दो पहचान है एक तो इसे क्या करते हैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बाहर जुड़ा होता है और जो ये आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी के निगेटिव वाले की जो जुड़ा हुआ तो ए, सेल एक सेल ए है पहला वाला इसका विद्युत भाग बल क्या ई है ये ई है इसका भी ई है इसका भी ई है तो इनके प्रतिरोध क्या होंगे ये भी बराबर होंगे आंतरिक प्रतिरोध आर प्लस आर प्लस आर तो कुछ नहीं करना बैटरी का कुल विद्युत भाग बल निकाल लें तो कितनी विद्युत भाग बल लग रहे इसमें ई ई ई ई ई ई कहाँ तक एंड टाइम तक और जब एंड टाइम तक लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया एन टाइम तक लगने का मतलब ये है कि भाई इसमें गुणा किसकी कर दो जैसे कि मान लो अगर एक चीज़ कितने रुपए की है दो रुपए की है तो एन चीज कितने की होंगी एन चीज तो एन ई क्योंकि एन का मतलब गुणा कर दी उससे चाहे कितनी भी है वो जैसे कि एक चीज़ कितने की है दो रुपये की चार चीज़ कितनी होंगी आठ की होंगी आठ चार से गुणा करी ना लेकिन यहाँ पे क्या एन है तो एन से गुणा कर दी आप बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना हमें बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आर इसका आर इसका आर इसका आर इसका आर इसका क्रम में जोड़ रहे हैं तो यानी कि तब तुम जोड़ रहे हो तो यानी कि एन एन से गुणा कर दो इसमें भी यानी कि आर प्लस आर प्लस आर करोगे तो कितने हैं? बहुत सारे लेकिन तुम कहाँ तक तो जोड़ रहे हो एन तक जोड़ रहे हो क्योंकि मैंने लिखा एन सेल हैं एन आर हो गया तो ये तो हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि जो प्रतिरोध जोड़ रखे हैं आपने इनका कुल निकाला लेकिन अभी तो ये प्रतिरोध प्रतिरोध और बचा है इसमें अब इसको तुम कैसे जोड़ोगे तो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध आर प्लस एन आर होगा परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध आर प्लस एनआर होगा आर कौन सा ये वाला आर और जो तुमने इनका जोड़ा न, इनका टोटल निकाला था आप देख लीजिए आप समझदार हैं क्रम में आर होता प्रतिरोध जोड़ के निकल के आ गया अतः परिपथ में प्रभावित धारा प्रवाहित धारा स्मॉल आई बराबर कुल विद्युत भाग बल अपन कुल प्रतिरोध कुल विद्युत भाग बल कितना इसमें एन ई है एन ई कुल प्रतिरोध क्या आ गया ये आ गया अब यहाँ पर मैं रख दिया ये रख दिया देखो अच्छा यही रखा देखो एन ई कुल विद्युत भाग बल एन ई रख दिया और ये क्या कुल प्रतिरोध ही रख दिया अरे ये ओम का नियमित था ओम का नियम आई बराबर कितना होता है बटे आर बी क्या विद्युत भाग बल प्रतिरोध क्या हो गया आर हो गया तो ये इसकी फॉर्म है बी की जगह क्या रखा मैंने एनी रख दिया कुल विद्युत भाग पर N आर की जगह तो, तो, ये निकाला टोटल रख दिया और ये निकलता है अब यहाँ पे केस लगाएंगे नंबर वन केस लगेगा केस फर्स्ट यदि कैपिटल आर रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन जी आर तो यहाँ पे जो बड़ा आर है वो बड़ा है और ये छोटा आर क्या छोटा है यानी कि नगर नहीं मान लिया मैंने तो जहाँ पे ये जो नगर मान लिया आया था उसकी जगह जियो रखेंगे रखेंगे इसमें ठीक है तो रखेंगे इसमें यानी कि मैंने आर की जगह जियो रख दिया यहाँ पर रखा मैंने जीरो है ठीक है जब जीरो है रखा जब जीरो है रखा तो एन ई बटे कितना आर और ये जीरो हो गया तो कितना हो गया एन ई बटे आर एन को मैंने यहाँ लिया ई बटे आर यार। यानी कि एक साल के द्वारा जो करंट आया वो एन टाइम मिल रहा है यानी कि बेनिफिशियल बेनिफिशल का मतलब है एन जहाँ मिल जाए आपको एन तो वहाँ फायदा हो जाता हमें एन का मतलब यह है कि हमें इतनी धारा मिल रही है एक सेल द्वारा धारा ये होगी इवट आर अब उसमें एन से गुणा कर करती इसका मतलब है सभी सैलों से मिल रही है क्योंकि सैल कितने थे एन थे करेक्ट तो ये बेनिफिट हो गया इसमें जोड़ने से फ़ायदा हो गया यानी कि आर अगर बड़ा है तो किस से आर से ठीक है अब इसके बाद में आते हैं आपको छोटा मान लेते हैं यहाँ पर क्या माना था कैपिटल कैपिटल आर बड़ा माना था स्मॉल आर से आपके स्मॉल इज ग्रेटर देन कैपिटल आर तो आपके बड़ा आर छोटा हो जाएगा नगद नहीं मान लेंगे इस तो आपके रख दो इसमें आर की जगह जीरो चलो रखो आर की जगह जीरो है रख देते हैं देखो आर की जगह जीरो तो रख दिया या आइए एन ई बटे एन आर और यहाँ जीरो रख दिया एन से एन कैंसिल हो गए क्या बचा ई बटे आर ये बताओ ये तो एक साल के द्वारा निकल का पाई और इसमें एन भी नहीं आ रहा है एन नहीं आ रहा है इसमें तो फायदा क्या हो फिर हैन तो आ नहीं रहा इसमें तो यहाँ फायदा कुछ नहीं हुआ ठीक है यहाँ फायदा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं यहाँ पे यहाँ पे इस है इस्म नहीं आ रहा तो समांतर क्रम ये इस इस प्रकार से नहीं इसमें बेनिफिट नहीं हुआ हमें क्लियर चलो तो इसके बाद में आते हैं समांतर क्रम में तो समांतर क्रम देखो इस प्रकार से होता है कि जो प्लस प्लस वाले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही बिंदु से होते हैं अटैच देखो है नहीं सब सबके प्लस प्लस टर्मिनल्स एक ही बिंदु से अटैच है इस बिंदु को ए मान लो और जो निगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे बिंदु सभी तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं होता इसमें प्लस प्लस के सब एक तरफ और निगेटिव के एक तरफ जुड़े होते हैं और ये क्या इसका है इसका एक्सटर्नल रजिस्टेंस एक्सटर्नल रजिस्टेंस तो समांतर क्रम में विद्युत भाग बल का मान क्या होता है समान होता है ये ध्यान रखना ई ई ई ई ई होगा और कहाँ तक है एन तक जोड़ा मैंने ये ऐसे तुम लाइन करते जाओगे ऐसे एन तक ठीक है एन तक जोड़ा है सैलों को समांतर क्रम में लगाने पर कुल विद्युत भाग बल ई e, ध्यान रखना समांतर क्रम में जो विद्युत भाग बल होता है वो ई e होता है एन ई e मत कर देना क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध जो ये जो ये आंतरिक प्रतिरोध लग रहे हैं इनका कुल निकालो पहले और जो इनका कुल आएगा निकल के वो इसमें ऐड कर देंगे भाई प्रतिरोध में कुल आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पर बनपोन आर एन आर एन का मतलब है कि एन रजिस्टेंस है एन रजिस्टेंस है इक्वल टू बनपोन आर प्लस बनपोन आर प्लस बनपोन आर प्लस तो एन तक तो मैंने बनअपनार को इसे जोड़ने का तरीका किया बच्चे जोड़ नहीं पाते इससे यानी कि यहाँ पे बनपन आर कोमल ले लिया बन बन बच्चा बन बन और बन बन को अगर तुम एन टाइम तक जोड़ोगे तो क्या आएगा एन ही आएगा एन अब यहाँ से अगर आर एन का मान निकालोगे आर बटे एन आएगा या आ गया आर बटे एन जो हमें करना था आर बटे एन तो मैं इनका कुल तो निकल गया अब जो इनका आया ये, ये आया अब इसके साथ श्रेणी में लगा लो क्योंकि ऐसे श्रेणी में तो होगा पूरा ऐसा तो श्रेणी में लगाएंगे देखो तो संपूर्ण पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना लगा ये आर प्लस आर बटे एन आर प्लस आर बटे एन ये हो गया इतना तब आईजिकल टू कुल विद्युत भाग बल अपन कुल प्रतिरोध कुल विद्युत भाग बल अपॉन कुल प्रतिरोध आई इज इकल टू ई अपोन आर प्लस ये हार बट एन कुल विद्युत भाग बल कितना था ई e था और ये पोन में तो रख दे कुल प्रतिरोध परिपथ का अब यहाँ से केस लगाते हैं कि एक बार क्या कैपिटल R जैसे उसमें माने थे एक बार कैपिटल आर स्मॉल R से बड़ा एक बार स्मॉल आर कैपिटल R से बड़ा और देखते क्या होता जहां है जहाँ पे हैन आ गया एन तो वो कंडीशन बेनिफिट की है और जहाँ पर नहीं आता एन तो फ़ायदा क्या इतने सालों को जोड़ा भी अरे हैंड साल जोड़े हैं तो हैन तो आना चाहिए उसमें अगर नहीं आया तो वो बेनिफिशियल नहीं है और जहाँ आता वहाँ बेनिफिट है इस्मोल आइज गल टू ई बटे आर प्लस यहाँ पे छोटा आर जीरो हो गया तो ई बट आर अब क्या फ़ायदा हो रहा है इस बारे केस में नो बेनिफिशियल ओके कोई फ़ायदा नहीं इसमें यहाँ पे मतलब करने में से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्मोल एन नहीं आया और जब क्या आना चाहिए था क्योंकि सेल कितने स्मॉल एन सेल है एन का मतलब बहुत सारे सेल पता नहीं ना तुम्हें जहाँ पता नहीं होता वहाँ पे हैन लगाते हैं एन के सेकंड यदि आपकी बार में आर छोटा मान लेते हैं बड़ा वाला छोटा जब भी छोटा आर बड़ा मान लेते हैं और बड़ा आर छोटा मान लेते हैं आर टेंस टू जीरो अब इस्मोल आई इज इक्ल टू ईर फोन आर की जगह जीरो रखा मैंने जहाँ क्या हर था क्योंकि नगर नहीं हो गया और ये और ये एन ऊपर चला जाएगा एन ई एन ई आर यानी कि एन को मैंने गुणा मिली है थोड़ी देर के लिए ई आर बचा यानी कि सही है एक सेल द्वारा धारा आ गई है एक सेल द्वारा धारा आ गई है और गुणावनी एन से यानी कि बेनिफिशियल है ठीक है तो यही प्रूफ करना था हमें और ऐसे चेक करना था कि कौन बेनिफिशियल है कौन नहीं है अब इसमें शरणिक सॉरी मिश्रित क्रम हो रहा है तो मिश्रित क्रम को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा बस ये बता तो कि मिश्रित क्रम क्या होता है तो मिश्रित क्रम बेसिकली नहीं होता है मिश्रित क्रम में क्या होता है जो सेल होते हैं समांतर क्रम में भी जोड़ जोड़ते हैं उसमें और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं यानी कि मिश्रित क्रम सेलों का वह क्रम कराता है जब किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में सेल भी और समांतर क्रम में सेल दोनों जोड़े जाते हैं श्रेणी समांतर दोनों यानी कि पहले श्रेणी क्रम में पंक्ति बनाते हैं पहले पंक्ति में ये पंक्ति पहले पंक्तियाँ बने बनाते हैं कुछ प्रतिरोध को जोड़ जोड़ ओ सैलों को जोड़ जोड़ के बना ली फिर ये पंक्तियाँ ऐसे ये हैम पंक्तियाँ बना ली फिर उसके बाद में एन कॉलम बनाएंगे ऐसे यानी कि जो पंक्ति बनी अब इन्हें समांतर क्रम में ऐड किया तो पहले क्या बनाते हैं पंक्तियाँ बनाते हैं उनमें सेल जोड़ते हैं उसके बाद में उनके कॉलम बनाते हैं ऊपर नीचे करके जोड़ देते हैं तो ये क्रम जो कहलाता है मिश्रित क्रम कहलाता है इसका जो हार्टिकल है आर्टिकल सूत्र है और नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कल बताऊंगा ठीक है ऑन द बोर्ड बिकॉज लाइट इज नॉट कमिंग हेयर सो आई एम मेकिंग वीडियो आई एम मेकिंग वीडियो ऑन द कॉपी एंड पेन ओके बिकॉज आई डोंट हैव चार्ज इन्वर्टर इन्वर्टर इज डाउन अंडरस्टैंड सो टमोरो आई आई विल मेक वीडियो फ्रॉम द वर्ड वैन द लाइट विल कम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो